और सभी छात्रों को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भारत माता के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं, भारत माता के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। हम सभी देशवासियों के लिए गर्व का क्षण था जब 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एकमत होकर निर्णय लिया था कि हमारी राजभाषा हिंदी हो। हिंदी सभी देशों में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व में प्रसिद्ध, प्राचीन और सरल होने के साथ हिंदी ने हमें बहुत सम्मान भी दिलाया है। हिंदी हमारे लिए गर्व, सम्मान और स्वाभिमान की बात है, इसलिए उसके प्रति सम्मान प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी। हिंदी का सम्मान करें, देश का मान करें। देश की ये शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, जगाए सबके हृदयों में आशा। 14 सितंबर 1949 का दिन पावन, मिला हिंदी को संविधान में सिंहासन। एकता की सूचक हिंदी भारत माँ की आन है, सभी मानते हिंदी देश की शान है। भारत माँ का प्राण है, भारत का गौरव गान है। धर्म, न्याय, शिक्षा की भाषा, हर डगर, गांव, शहर, देश विदेश, नहीं रहा कोना, अब कोई इससे अशेष। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने कुछ काव्य पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी में बसते तुलसी रस खान, हिंदी में बसते तुलसी रस खान, प्रेमचंद की होरी के गाय का दान, शिवानी के अलमोड़ों की देखो अद्भुत शान, शिवानी के अलमोड़ों की देखो अद्भुत शान, सुभद्रा की झांसी की रानी का मान। हिंदी में ही गाए कवियों ने देशभक्ति गान, हिंदी में ही गाए कवियों ने देशभक्ति गान, सब मिलकर बनाए साहित्यिक पद महान, सब मिलकर बनाए साहित्यिक पद महान, हिंदी भाषी होने का हम करें अभिमान।